नगर परिषद मऊगंज में भाजपा के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष एवं 7 पार्षद गणों का सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह 23 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 2 बजे कार्यालय नगर परिषद मऊगंज में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि विधायक मऊगंज माननीय प्रदीप पटेल रहे। भाजपा विधायक द्वारा कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल द्वारा उपाध्यक्ष व पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पटेल ने अपने संबोधन के केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार को गरीब मजदूर हितैषी सरकार बताया और कहा कि सरकार की जनोन्मुखी योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभान्वित करते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया। भाजपा विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में भय और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने बगैर नाम लिए यहां के विपक्ष के नेता को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस समय कुछ लोग फिर धमकी देते सुनाई पड़ रहे हैं। शराब माफियों को नशे के कारोबार में संरक्षण देकर युवा पीढ़ी को खतरनाक नशे में बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और तो और उन पर कार्यवाही करने वालों को खुलेआम मंच से धमकी देते हैं, जो कि उनके होते हुए नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने मऊगंज के विकास की कड़ी में इसे जल्द से जल्द जिला का दर्जा दिलाने का लोगों को भरोसा दिया है। समारोह में भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया, पूर्व नप अध्यक्ष द्वय चंद्र प्रभा गुप्ता, अजय मिश्रा रज्जू, महेश चंद्र राली व पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान थाना प्रभारी श्वेता मौर्य समेत सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बीच में मऊगंज विधायक ने विराट 24 न्यूज से राजेश दुबे सहित दर्जनों की संख्या में पत्रकारों को सम्मानित किया। बड़ी संख्या पत्रकारों ने हमारे मऊगंज में है, एक बार पत्रकारों के लिए आप लोग सब ताली बजा। अपने अलग अलग प्रेस समूह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह, सब समूहों में काम करके अलग अलग तरह की लेखनी से काम तो एक ही है जनता का। उसे एक बार किसी ने पूछा कि आप लोगों के पास आपके बारे में पत्रकार लोग ऐसा लिखते हैं वैसा लिखते हैं तो आप नाराज क्यों करने का नहीं। इनका काम है लिखना, हमारा अच्छा भी हमारा बुरा भी बताने वालों की जिम्मेवारी संवैधानिक रूप से इनको मिली हुई है, इसलिए मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि हमारी हर चीज को सामने लाए। गुरु का क्या काम है? आपको पढ़ाना, फिर पढ़ाने के बाद क्या करना है? परीक्षा, परीक्षा देगा तो फिर इसके बाद कुछ बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। जो नहीं बनाएगा, जो नहीं बनेगा गुरु ही बताएगा, पढ़ाएगा ही वही बताएगा ही वही क्या नहीं बना। काफी बता देगा ये चीज हमसे नहीं बनी थी। आज राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले के लिए काफी जानने का काम अगर कोई कर रहा तो हमारे मीडिया के लोग करते हैं, हमारी कमियों को भी बताते हैं, हमारी अच्छाई को भी बताते हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छे 100 नंबर का काम करेंगे 100 में 100 देंगे, मगर कोई त्रुटि होगी तो बताएगा कौन। और इसलिए आज इस मऊगंज में रीवा के बराबर बंगलाटा का काम चल रहा है और इसलिए हमें लगता है आने वाले समय में मऊगंज को जिला बनाने का भी काम है। हमारे काम लोग भी दिन रात लिखते हैं करते हैं और उसका सामने और करेंगे। सरकार को भी संकल्प के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, जब जब हमसे उन्होंने कोई चीज पूछी है तो मऊगंज के विकास में जिला को प्राथमिकता से रखने का काम हमने किया है। और मऊगंज को जितना भी इस क्षेत्र का डेवलपमेंट है, विकास है, आने वाले समय में विकास और बढ़ेगा करेगा। यहाँ आए हुए सब लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने सभी